यस बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार जो बिंदु हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, और फिर नायिका के भाई ने आके बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और नायिका क्या लेती है फैसला कि अब मैं लौट कर अपने पति के घर वापस नहीं जाऊंगी, ठीक है बेटा, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। नायिका क्या बोलती, अब मुझे तुम्हारे घर की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चौखट लांग चुकी हूँ, अब मैं तुम्हारी चौखट लांग चुकी, मैं तुम्हारे घर की दहलीज लांग चुकी हूँ, इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। और आपको पता है कि जगन्नाथपुरी जो धाम है वो बेटा बंगाल की जो खाड़ी है ना, बे ऑफ बंगाल जो बोलते हैं, उसके किनारे बसा हुआ, उड़ीसा में है ये। तो अब नायिका का अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ मैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा समुद्र। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। नायिका बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे अपने जो रीति रिवाज हैं फालतू के ढकोसलों में मुझे बांध दिया था, बंद कर दिया था। ना जाने कहाँ से बिंदु इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया, ठीक बेटा, कि ना जाने कहाँ से नायिका कहती हैं कि बिंदु मेरे जीवन में आई हाँ, उसने मुझे, जी हाँ, पूरी तरह से उसने अपने पूरा प्यार मुझ पर उड़ेल दिया था। और उसका कहते हैं इस प्रकार से जो निर्मम हत्या हुई है, भले उसने आत्महत्या की लेकिन उसके परिवार वालों ने उसकी हत्या की है, ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है, और अब मैं इससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ, मैं लौट कर अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिरा कर मुझे आज़ाद कर दिया, और इस प्रकार की चीज़ें जो हुई हैं उससे मेरा, कहते हैं ना, जो मन मस्तिष्क में जो मेरे कोई पर्दा था या कुछ था वो पूरी तरह से गिर गया है, अब मैं स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ। मछली बहू खत्म हुई, अब मैं किसी की बहू नहीं हूँ, किसी की पत्नी नहीं हूँ। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? और तुम ये भी मत सोचना कि मैं आत्महत्या कर लूँगी या मैं, है ना, खुद को इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश करूँगी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। कोई मीरा भाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। फिर नायिका बोलती हैं कि मीरा बाई की भी, है ना, शादी हुई थी, उनको भी घर में प्रताड़ित किया जाता था क्योंकि वो भगवान की भक्त थी, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो इस प्रकार की भक्ति करें, है कि नहीं, वो उसी में रमी रहती थी, उनको भगवान के सिवाय कोई दिखता ही नहीं था। तो वही वो भी बोल रही है कि वो भी मेरी तरह औरत थी, उनके भी बंधन कम नहीं थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मीराबाई ने बंधन से मुक्ति पाने के लिए कोई आत्महत्या नहीं की, मुझे अपने आप पर भरोसा है। नायिका फिर कहती हैं कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ। नायिका बोलती हैं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं दोबारा से जीवन जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी और मैं जीऊँगी, दृढ़ निश्चय उन्होंने किया। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मृणाल, और फिर अंत में नायिका लिखती हैं कि तुम लोगों के आश्रय, अपने परिवार वालों, अपने पति के आश्रय से मुक्त मैं मृणाल। नायिका ने इस प्रकार इस पत्र में अपनी पूरी जीवनी को उतार के रख दिया है, अपने जो उन्होंने अपने आसपास अपने परिवार में जो कलह देखी उस सबको उन्होंने लिख दिया है ना। तो इस प्रकार वो खुद को आज़ाद की। आगे बेटा देखिए कुछ शब्दार्थ हैं। जगन्नाथपुरी हिंदुओं के चारों धाम में से एक पवित्र तीर्थ धाम जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक। सुदूर बहुत दूर, आवभगत आदर सत्कार, बला मुसीबत, माहौल वातावरण, पीहर स्त्री का मायका, फूटी आँख ना सुहाना, तनिक भी अच्छा ना लगना, बाजूबंद बाह में पहनने का एक आभूषण, इल्ज़ाम आरोप, नाकाम असफल, सीने पर सांप लौटना, अत्यंत व्यथित होना, ठीक है बेटा। तो आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, ओके बेटा।